आहा, इतना नींद सुकून के कहाँ मिलेगा। अभी बज रहे हैं सुबह के साथ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। देवी डॉट गौड़िया ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं अच्छी तरह से हाथ मुंह को खुजली खुजली कर करके तान दे था तान लेती हूँ तान के, उसके बाद मैं उठ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के साथ। माथे को अच्छी तरह से झाड़ झुड़ के, मतलब बांध लेती हूँ क्लिप से। क्लिप से बांधने की बाद अच्छा रे, एक दिन बांध एक दिन कहा, अरे नींद तो पूरा हो ही नहीं रहा मेरी। अब मैं थोड़ी सी हाथ देख लेती हूँ, क्योंकि हाथ देखने से भगवान को प्रार्थना कर रही हूँ क्या मेरा यूट्यूब वायरल हो जाए। वायरल तो होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रार्थना तो मैंने कर लिया। अब मैं अच्छी तरह से चौकी से सब तकिया को फेंक फेंक के फेंक फेंक के फेंक फेंक के मैं अच्छी तरह से चादर को झाड़ लूँगी, पटक पटक के 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 झाड़ लूँगी। झाड़ने के बाद मैं कम्बल भी उतार दूँगी, क्योंकि मेरे पास रखने का जगह नहीं है, इसीलिए मैं चादर को चेंज करने वाली हूँ आज। चादर को चेंज करने के बाद मैं अच्छी तरह से गिंदरा फिंदरा को मोर फोर लेती हूँ। आहा, चौकी पर उठ गई, चादर मैंने निकाल लिया जो मैंने पहले से खींच के रखी थी। चादर निकाल के मैं इसको अच्छे से झाड़ के पूरे चौकी पर, आई कहाँ भाग गई मैं, पूरा चौकी पर मैं अच्छी तरह से बिछा दूंगी। प्लास्टिक आई गिर गया गिर गया प्लास्टिक। मैं इसको अच्छी तरह से झाड़ झुड़ के मैं इसको चारों पट्टी से मैं अच्छी तरह से मोड़ दूंगी, क्योंकि मोड़ देने से चौकी का चद्दर जो है निकलता नहीं सोने के टाइम, मतलब बैठने के टाइम भी मोड़ता नहीं है। अब कमल को अच्छे से झाड़ के मैं इसको भाज कर लूँगी, मोड़ लूँगी चार पांच, क्योंकि मुझे कमल रखने का जगह नहीं है, इसीलिए चौकी का एक कोने में कमल को फेंक दूँगी। फेंका गया, पड़ा रहता है कमल मेरा बेचारा एक कोने में। तकिया को खोली के अच्छी तरह से खोलेंगे, अट अट अट, टना ही नहीं रहा टना ही नहीं रहा। अरे रे, खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया। अब तो ये खुल चुका है। अब मैं इसको माथा पकड़ कर टान टून के मुर्गी के छाल की तरह इसको निकाल दूंगी, जैसे मुर्गी का छाल नहीं छुड़ाता है उस टाइप को मैं इसको निकाल दूंगी। निकालने के बाद मैं इसको पटक पटक के रख दूंगी। आहा, इसको भी मैं टान के खोल लूंगी, जैसे कपड़े बच्चे का कपड़े खोलते उस टाइप का। तीसरा नंबर तकिया को मैं अच्छी तरह से खोल लूंगी, इसको भी टान के मैं खोल लेती हूँ। खुल गया मेरा। अब सबको एक साथ ज्वाइंट करूँगी मैं। सब बरंडा में जाके मैंने जो जो खोला था मैंने रख दिया। घर का केवाड़ी खोल लिया हूँ, बाहर का बाल्टी में करके कपड़े बाहर रख चुकी हूँ। अब मैं बोरा भी रख दी हूँ बाहर, किचन में गई शायद गैस को देखने के लिए, बंद है ना खुला है। उसके बाद मैं बोतल उतल घर में जितना है पानी का सब मैं बाहर रख दूंगी। बाहर रख आई है, टंग 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 टंग, दुआरी के सामने क्या धुल रहा है। अब मैं झाड़ू लेकर पूरा घर को क्लीनिंग कर लूँगी। और मैं यहाँ पे निहा चुकी हूँ, जिसका क्लिप मैं नहीं ली हुई हूँ। निहा धो के अच्छी तरह से काम का मैं पूजा पाठ भी कर ली हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे लक्ष्मी जी गणेश जी काली जी को गौर लगते हैं, सबको अच्छी तरह से देख। पूजा पाठ भी हो गया मेरा, देखिए घर का पूरा साफ सफाई एकदम अच्छी तरह से हो गया। देखने में कितना खूबसूरत लग रहे हैं। कपड़ा लत्ता भी मैंने सजा दिया था, उसका मैं वीडियो बना नहीं सकी और यहाँ पर मैंने आलू सीजने के लिए भी चपा दिया था। मैंने अपना चाय भी उबाल रही हूँ यहाँ पे, यहाँ मेरा आलू सीज रहा है और यहाँ मेरा चाय उबल रहा है। मैं अकेली हूँ इसलिए मैं पीऊँगी, मेरा पतिदेव नहीं है घर पे, तो मेरा यहाँ चाय भी बन रहा है, इधर आलू भी सीज रहा है, क्योंकि मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मैं चाय पी चुकी हूँ। और ये देखिए मैंने सब्जी को मसला उसला पीस के अच्छी तरह से सोयाबीन आलू काट, कितना सुंदर लग रहा है सब्जी मैं बना रही हूँ। यहाँ आटा मैं भी सान लूँगी। सुबह का नाश्ता भी बज गया है सुबह का 9, तो मैं आटा फाटा भी सान लेती हूँ। उसके बाद अट सना भी गया, रोटी भी मैं बना रही हूँ। अट डंग 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 डंग, कितना स्पीड है मेरा हाथ में, ऐसा तो किसी का होता ही नहीं, कोई नहीं पाएगा। आट बन गया है। अब मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए, कपड़े लत्ते चेंज करके। यहाँ मेरा नाश्ता बन चुका है, सोयाबीन का सब्जी एंड रोटी। किस किस को खाना है आप लोग आ जाइए लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए मेरे संग मैंने आप लोग को तो पूछा ही नहीं। यहाँ खाऊ के मैं एकदम हो चुकी हूँ रेडी, मैं बैठ चुकी हूँ। सुबह होने वाली थी, बारिश हो रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी जाके सारा कपड़े को उठा ली हूँ। अब बारिश, जैसे मैंने कपड़े को उठा लिया उस तरह का बारिश
मतलब बारिश भी बंद हो चुका है। मैंने दोपहर का भी खाना बना लिया, यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। फिर से कपड़े चेंज करके मैं सोची कि आप लोग, मैं कितनी बार कपड़ा चेंज करती हूँ। मैंने आधा खाना खा भी लिया दाल भात सोयाबीन का सब्ज़ी मैंने बनाया था। वो बिस्कुट का डिब्बा दिख रहा है, किसी को भूख लगा है आके खा लीजिए। बिस्कुट का डिब्बा से बिस्कुट निकाल के यहाँ पर मैं खाती हूँ। और देखिए आठ, इतनी अच्छी से खा रही हूँ, मतलब क्या बतावा, क्या टेस्टी है, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। जूठे हाथ ही मैं आप सबको दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी है यहाँ पर खाना बना है। गप 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 करके मैं खा लेती हूँ। खाने के बाद मैं आप लोग को, कैमरा रखने का जगह ही नहीं मिलता मेरे, मैं क्या करूँ। आज तक के लिए इतना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर